नमस्कार दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना 2022 को लेकर एक नई अपडेट है। जैसा कि मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो से लगातार बता रहा हूं कि खाद्य सुरक्षा योजना में फॉर्म चेक होना शुरू हो गए हैं। अब यहां पर है जो डिपार्टमेंट है कार्रवाई कर रहा है उन लोगों पर जिन्होंने गलत जानकारी देकर या फिर जो गलत जानकारी से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे हैं, या फिर अगर मान लो आपने अभी अपना फॉर्म अप्लाई किया है और अगर आपने गलत तरीके से फॉर्म अप्लाई किया तो यहाँ पर आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो हेडलाइंस में, खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाने वाले 7 सरकारी कर्मचारी जमा कराए 1,354 रुपए। ठीक है, यहां पर देख सकते हो, मैं यहां पर नाम नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उपखंड क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना का गलत तरीके से लाभ उठाने के मामले में अब तक हुई जाँच में उपखंड क्षेत्र में 12 सरकारी कर्मचारी सामने आए हैं। ऐसे कर्मचारियों को नोटिस मिलने के बाद 4 कर्मचारियों ने 45,004 रुपए जमा करवा दिए। और यहाँ पर देख सकते हो, खाद्यान्न सुरक्षा का गलत तरीके से लाभ उठाने वालों पर नकेल कसते हुए सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर है जो डिपार्टमेंट है, जो भी खाद्यान्न सुरक्षा के तहत यानी खाद्य सुरक्षा के तहत गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं उन पर है जो डिपार्टमेंट है वो नकेल कसना यानी कि कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर है जो सर्वे शुरू हो रहा है कि क्या वास्तव में आप जो खाद्य सुरक्षा योजना का जो लाभ उठाने के लिए लायक है या नहीं है, ठीक है, एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तब देख सकते हो गलत तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों से स्वेच्छा से अपने नाम सूची से हटवाने की अपील की है और इस पर लगभग 4 जनों ने है जो अपने नाम हटवा लिए हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आपने भी खाद्य सुरक्षा योजना में फॉर्म पहले से अप्लाई कर रखा है और मान लो आपने गलत तरीके से फॉर्म लगाया था और आपको लाभ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, तो आप क्या करें, नज़दीकी अपने संबंधित तहसील या फिर ग्राम पंचायत में जाकर वहाँ पर लिखित में दे सकते हैं कि वाह मैं है जो खाद्य सुरक्षा योजना का पात्र नहीं हूँ, एलिजिबल नहीं हूँ, मेरा नाम है जो काट दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट है वो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा और जो अब तक आपने लाभ लिया है उसका है जो कोई भी आपको है जो रीपेमेंट यानी कि जो भी भुगतान है वो नहीं करना होगा। अदरवाइज डिपार्टमेंट अगर खुद से सर्वे करने के बाद उनको पता चलता है और कार्रवाई करेगा तो जो भी अब तक आपने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लिया है, जो भी आपने राशन उठाया है वो आपको है जो वापस उसके पैसे भुगतान कर रहे होंगे। यहाँ पर है जो डिपार्टमेंट ये कार्रवाई कर रहा है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि खाद्य सुरक्षा योजना 2022 में अगर आपने गलत तरीके से फॉर्म लगाया है तो आप अभी भी अपना नाम कटवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट इस बार सख्त है। जो वास्तव में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी हैं यानी कि जो एलिजिबल हैं, पात्र हैं, उनको ही लाभ मिलेगा। अदरवाइज आप ये सोचकर फॉर्म भरे हैं कि फॉर्म लगाने में क्या है, अगर अप्रूव हो जाएगा तो हमको भी है जो लाभ मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब डिपार्टमेंट सतर्क हो गया है क्योंकि बहुत सारे फर्जीवाड़े हो रहे हैं, इसलिए तो आप लोगों अगर गलत जानकारी देकर फॉर्म भरे हैं तो आज ही अपना नाम है जो हटवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना की लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑल करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।